नमस्कार साथियों, मैं अविराज और अभी आप सब देख रहे हैं अविराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। तो मैं इस वक्त झंझारपुर लोखाड़ेलखंड के बीच का अपडेट आप सबको दिखा रहा हूं, जो कि ये अपडेट सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट और खटौना स्टेशन के बीच का अपडेट है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। और इसलिए भीड़ लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं जो मालगाड़ी खटौना स्टेशन जाने वाला था मालगाड़ी ट्रेन, वो ट्रेन यहाँ पर रुक चुका है। इसलिए रुक चुका है क्योंकि लाइनें यहाँ का क्लियर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे आप सब, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी जरूर लिखकर भेजिएगा दोस्तों। और किस जगह से वीडियो को वॉच करें उस जगह का भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये गुमती है, रेलवे गुमती है, यहाँ पर आने जाने का जो है रास्ता बनाया गया था, जो कि यहाँ पर जब पटरी बिछाया गया था तो जो है सो यहाँ से आ जा नहीं सकता था गाड़ी सब, इसके लिए जो है यहाँ पर गिट्टी दे दिया गया था ऊपर में, देख सकते हैं मिट्टी और गिट्टी सब दे दिया गया था ऊपर से, इसके लिए जो है सो आसानी से पास हो सके ताकि गाड़ी सब। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके दौरान यहाँ पर पटरी थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, यानी कि घिसक चुका है, तो इसको जो है सीधा किया जा रहा है। तब तक वीडियो में बने रहे और देखते रहिएगा दोस्तों। उधर लगे जाओ, उधर उसमें लगो, उसमें लगो एक जब। अरे इधर पीछे ठीक है। हाँ ठीक है, चल पीछे लग जाए। छोड़ दो ये, वहाँ लेकर के जाना होगा, वहाँ पे ऊँचा क्या सुधर जाएगा, वहाँ लगा लो वहाँ पे। तो दोस्तों आप सबको क्लियर हो ही गया है कि क्या तरह का समस्या है यहाँ पर, किस कारण वश यहाँ से मालगाड़ी ट्रेन नहीं जा पा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जब तक यहाँ से जो है मिट्टी या मलबा पटरी के ऊपर से हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो है इस मालगाड़ी ट्रेन को आगे नहीं ले जा पाएगा दोस्तों। देख सकते हैं जो कि लगे हुए हैं लेबर मजदूर सब, इसको हटाने में काम करने वाले कर्मता सब, देख सकते हैं जो कि यहाँ पर रेलवे पटरी को जो जिस प्रकार से नीचे गिराया जाता है, जिस प्रकार से नीचे लाया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर में एक खांचा बना होगा, उस बच्चे को क्या करते हैं जो बिछाया हुआ रेलवे पटरी है उसमें मिला दिया जाता है और नट से टाइट कर दिया जाता है उसी पटरी में मिलाकर, और मालगाड़ी ट्रेन को ठीक आगे ले जाया जाता है। तो ये पटरी क्या होता है, यहीं का यहीं उतरता हुआ नजर आएगा आप सबको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको दिखाया किस प्रकार से उतारा गया है रेलवे पटरी को मालगाड़ी ट्रेन से। अगर आप सब वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर जरूर देखिएगा एक बार वीडियो, क्योंकि मैंने अपने चैनल में जो है इस वीडियो को भी अपलोड कर रखा है दोस्तों। देख सकते हैं जो कि यहाँ पर अभी खटौना स्टेशन तक काम जो है रेलवे पटरी बिछाने का क्लियर है, बस यहीं पर दिक्कत था जिसके कारण जो है मालगाड़ी ट्रेन को आगे नहीं ले जा पा रहा था दोस्तों। सो दोस्तों यहां पर अगर क्लियर हो जाता है तो खटौना स्टेशन तक रेलवे पटरी बिछाने का काम पूरा कंप्लीट है। एक बार यहां पर सही हो जाए इसके बाद जो है खटौना स्टेशन पर ही जाके रुकेगा ये मालगाड़ी ट्रेन। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको जानकारी अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।